रफीउद्दर आजाद का जन्म 1 दिसंबर 1699 में हुआ। यह 10वां मुगल बादशाह था। वह रफीउशाहान का पुत्र था तथा अजीमुशान का भाई था। फर्रुख शेर के बाद 28 फरवरी 1719 को सैयद बंधुओं के द्वारा उसे बादशाह घोषित किया गया था। बादशाह रफीउद्दर आजाद बहुत ही अल्प समय तक ही शासन कर सका। सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर 28 अप्रैल 1719 को गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का ये पहला उदाहरण था। इसके बाद सैयद बंधुओं ने रफीउद्दर आजाद को सिंहासन पर बिठाया। रफीउद्दर आजाद सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। इसके काल की उल्लेखनीय घटना नेकशेर का विद्रोह था। नेकशेर को विद्रोहियों ने सम्राट घोषित कर आगरा की गद्दी पर बिठा दिया था। नेकशेर अकबर द्वितीय का पुत्र था। रफीउद्दर आजाद की मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई। इसकी मृत्यु 13 जून 1719 को हो गई।